हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है प्लस करके ऊपर सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू बोथ। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझा रहे हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी के अंदर कितना है? 2, 4, 6, 8, 10। अब ये दोनों के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करना है। तो देखो, मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, पहले जो ये वाला था उसको मैंने पहले लिख दिया, दूसरे वाले को दूसरे पे लिख दिया। अब ये दोनों में से जितने कॉमन है उसको निकालो। चलो, कॉमन कौन से है? चलो हम देख रहे हैं, ये 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, उसके बाद अभी एक भी कॉमन नहीं है। तो उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे उसको लिख देना है। देखो, 1 है लिख दिया, 3 है लिख दिया, 5 है लिख दिया, 8 है लिख दिया, 10 है लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? देखो, ये डेफिनेशन है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बनाएंगे, इसके हिसाब से हम डेफिनेशन बनाएंगे। इसमें कैसे सेट, कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? कि सर, सिंपल सी बात है, दोनों में जो कॉमन होते हैं वो नहीं लेने के, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट वो ले लेने के। ओके, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज़। और उसको लिखना कैसे है वो यहाँ पे दिखा हुआ है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सेट्स ए एंड बी आर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब देखो, यहाँ से आएगा, यहाँ से बताएगा, पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा। विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू बोथ। ए और बी में आते हो बट डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों में नहीं आते हो, वैसे हमको लेने नहीं है। दोनों में नहीं आते, जो दोनों में आते हैं उसको निकाल दिया। देखो, दोनों में आते हैं उसको मैंने निकाल दिया, उसके अलावा जितने थे वो सारे मैंने ले लिए। ओके, सपोज मैं दूसरा एक बताऊँ, सपोज मैं ले रहा हूँ सेट ए, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे सेट बी ले रहा हूँ मैं 3, 5, 6, 9। ओके, तब मैं इसको, मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये दोनों में से जो कॉमन होंगे उसको निकाल देंगे। कॉमन ये दोनों है, निकाल दिया, ये दोनों है निकालता, उसके अलावा क्या बचे? 1, 7, 6, 9। उसको अरेंज करके लिख देते हैं 1, 6, 7, 9। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट होंगे, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स बना के रखे हुए हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का एग्जांपल होगा और आपको ये होमवर्क में भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।